नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। केक हम बहुत प्रकार के बनाते हैं, पर आज मैं आपको केवल 10 मिनट में तैयार होने वाला गाजर का केक की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। अगर आपने एक बार ये केक खाने का शुरू किया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। चलिए 10 मिनट में तैयार होने वाला गाजर का केक बनाना शुरू करते हैं। गाजर का केक बनाने के लिए पहले हम मिश्रण की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1/4 कप दही ले लेती हूं। आप जब भी केक बनाएं तभी हमेशा फ्रेश दही का ही उपयोग कीजिए। 3 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी, आप यहाँ पे होल शुगर का भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों अभी गाजर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो हमें उसका भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। जब भी आपका केक खाने का मन हो तो ये गाजर का केक केवल 10 मिनट में तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारा सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। 2 टेबलस्पून तेल, मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल देती हूँ। 1/2 कप सूजी, जो 100 ml का मेजरिंग कप है, वो नाप से मैंने 1 कप सूजी ली है। 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, गाजर का केक के अंदर दालचीनी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून दूध डाल देती हूँ। हम धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड करेंगे, एक साथ में नहीं ऐड करना है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें जो बाकी का बचा हुआ दूध है 1/2 टेबलस्पून वो डाल देती हूँ। हमारी सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। 5 मिनट हो चुकी है, अब मैं मिश्रण को चेक कर लेती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सूजी फूल चुकी है और बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मैंने 1/2 कप गाजर लिया है, 100 ml का मेजरिंग कप है, वो नाप से मैंने 1 कप गाजर लिए हैं। गाजर को कद्दूकस कर लिया है, उसे मैं डाल देती हूँ। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, हमें बिल्कुल यही प्रकार से इसे रखना है। अब हम केक बना लेते हैं। गाजर के केक को मैं अपम पात्र में बनाने वाली हूँ। मैं अपम का मोड ले लेती हूँ, इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। अभी हमने जो केक का मिश्रण तैयार किया है उसे मैं मोल्ड में डाल देती हूँ। मैं 1 टेबलस्पून जितना सूजी का मिश्रण ले रही हूँ। अब मैं इस पे ढक्कन लगा देती हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। हमें इसे एकदम धीमी आंच के ऊपर कुक करना है। दो मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अब मैं इस पे बारीक कटे हुए काजू डाल देती हूँ। काजू का टेस्ट इस केक के अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए पिस्ता रख देती हूँ। पिस्ता ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इस पे ऐड कीजिए, पर सूजी के केक के अंदर पिस्ता का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसे ढक के धीमी आंच के ऊपर कुक कर लेती हूँ। 1 मिनट हो चुका है और इसे मैं चेक कर लेती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, हमारा केक तैयार हो चुका है। केक तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। जब भी आपका केक खाने का मन हो तब आप तुरंत इसे 10 मिनट में बना के खा सकते हैं, है ना बढ़िया। इसे देख के मुँह में पानी आ जाए, वैसा गाजर का केक हमारा बन के तैयार हो चुका है और वो भी केवल 10 मिनट में। तो आप ये रेसिपी को जल्दी से बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। केक बहुत ही गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और केक ठंडे हो चुके हैं। ये देखे दोस्तों बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। ये देखे दोस्तों इतनी जालीदार तैयार हुए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया तैयार हुए हैं। हमारे मुंह में घुल जाने वाले गाजर के केक बनके तैयार हैं, जो केवल 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।